once again, I am here with you with a new lesson from a short story section. मैंने poetry section complete कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं धीरे धीरे हर section आपका complete करने के बाद exercises start करूंगी. मेरा poetry section complete हो गया है, तो मैंने अब शॉर्ट स्टोरी की एक स्टोरी ली है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. नेम दिस आउट ऑफ बिजनेस, रिटन बाय आर के नारायण. बेटा, ये जो आर के नारायण राइटर हैं, इनका हमारा टाइम था जब एक मालगुड़ी डेज सीरियल था, बहुत अच्छा, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर था. ये उनके राइटर भी हैं, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं ये. और ये जो स्टोरी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ना कहीं आज का, आपको पता है लास्ट संडे 14 जून को एक बहुत ही फेमस राइजिंग, एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत, जिसने ना जाने किस दबाव में आकर सुसाइड किया, डिप्रेशन में थे वो या उनकी जो सुसाइड के पीछे क्या कारण थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है. लेकिन फिर भी हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि शायद वो मेंटली डिप्रेस थे, वो नेपोटिज्म का शिकार हुए और इसलिए उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया. तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ये स्टोरी है ना आउट ऑफ बिजनेस, थोड़ी सी मुझे लगता है कि वहां भी रिलेट करती है. तो ये जो सुसाइड वर्ड है ना, ये बच्चे एक मिनट का ख्याल, एक मिनट की नेगेटिविटी, जब आप बिल्कुल जैसे कि वहां पे उनको बताया गया कि वो नेपोटिज्म का शिकार थे, जाने कितनी देर से होते आए थे और एंड में जाकर जब ना टॉलरेट कर पाए, तो वो एक मिनट ही वो उनके लिए भारी पड़ा और उन्होंने सुसाइड किया या क्या हुआ उनके साथ. लेकिन अगर वो एक मिनट एक मिनट के लिए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते, तो शायद आज इतने लोग, उनके इतने चाहने वाले उन्हें मिस ना कर रहे होते और वो हमारे साथ होते. कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी उसी से रिलेट करती है. और मेरा भी आप लोगों के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, ये एक मैसेज है कि बहुत सुंदर है ये जिंदगी, ये हमें जीने के लिए दी है भगवान ने, तो इसलिए इसे बिल्कुल भी, इसके साथ कोई आपको हक नहीं है छेड़खानी करने का. सिर्फ एक मिनट के लिए आप सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, उनके बारे में सोचिए, उस फादर के बारे में सोचिए जिसने सोचा था कि अब उसकी वाइफ तो रही नहीं, मैं उसके सहारे अपना बुढ़ापा काट लूंगा. मतलब वो तो चले गए, लेकिन पीछे जो होता है वो जीते जीते मर जाता है. इसलिए किसी भी दबाव में आकर कभी भी ऐसा स्टेप ना उठाए. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एज यूजुअल अपनी समरी से आउट ऑफ बिजनेस. ठीक है बेटा, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है रामा राव इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. रामा राव वॉज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ मालगुड़ी इन अ ग्रामोफोन कंपनी. फॉर 5 years हिज बिजनेस वॉज गोइंग वेल एंड ही अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी that enabled him to live a decent and comfortable life with his wife and children. मतलब जो रामा राव इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो एक मालगुड़ी जगह का नाम है, वहां पे ग्रामोफोन की कंपनी में एक एजेंट का काम कर रहा था. 5 साल तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और अपने मतलब बीवी बच्चों के लिए उसने खूब पैसा कमाया और एक बहुत ही अच्छी और बड़ी सुविधाजनक जिंदगी वो अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर रहा था. बट थिंग्स डोंट टर्न एज वेल एज वी डू ऑलवेज एक्सपेक्ट. सडनली अ क्रैश इन द स्टॉक मार्केट ब्रॉट हिज कंपनी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिंदगी कई मोड़ लेती है. क्या हुआ कि अचानक ही जो वो कंपनी थी, उनके स्टॉक मार्केट्स जो थे वो मतलब बिल्कुल गिरने के कगार पे आ गए, शेयर्स जिनको आप बोलते हो, क्योंकि जो उसकी ग्रामोफोन कंपनी थी क्लैप्स्ड, वो खत्म हो गई
ड्यू टू कलैप्स ऑफ अ बैंक इन लाहौर। लाहौर में एक बैंक के बंद हो जाने की वजह से जिस कंपनी में वो काम करता था वो भी बंद हो गई। द कलैप्स ऑफ रामा राव'स बिजनेस हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हिज फैमिली। ही हैड लिटिल मनी इन द बैंक एंड सम स्टॉक टू इन हैंड। जब ये कलैप्स हुआ, मतलब ऑटोमेटिकली जब कंपनी में कोलैप्स हुआ, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ में भी बहुत प्रभाव पड़ा। अब उसके पास बैंक में भी थोड़ा ही पैसा था और अपने उसके हाथ में भी कुछ ही शेयर्स थे। मनी इन द बैंक वॉज रनिंग आउट। हिज वाइफ सेंट अवे द कुक सर्वेंट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो बैंक में मनी थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उनकी बीवी ने भी खर्चा करना कम कर दिया था, कुक को छुट्टी भेज दिया, नौकरों को छुट्टी भेज दिया, घर का सारा काम वो खुद करने लगी, जो मतलब खाना वाना उन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया। हिज चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन अ नर्सरी स्कूल एंड ड्यू टू बैड कंडीशंस दे वर सेंट टू फ्री प्राइमरी स्कूल। उसके बच्चे पहले अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अपनी बुरी हालत की वजह से उन्होंने बच्चे निकाले और जो फ्री का सरकारी स्कूल था वहां पे डाल दिए। दे लेट आउट देयर बैंगलो एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। हिज फैमिली वॉज फेसिंग मेनी हार्डशिप। वो बड़े बंगले से शिफ्ट होके छोटे से घर में आ गए, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। रामा राव वॉज इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब बट ऑल इन वेन। His children had no friends here and they were only playing in the backyard of house. All the cash in hand was now gone. मतलब कि अब उनकी ऐसी हालत थी कि जब वो छोटे से घर में आ गए, अब उसके बच्चों के कोई दोस्त भी नहीं रहे थे, तो वो अपने ही घर के पीछे जो बरांडा था उसमें खेलते थे। और क्या था, उसकी फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। वो बड़ी जगह नए काम की तलाश में गया। कौन? रामा राव। एक ही कैरेक्टर है मेन इस कहानी का, रामा राव। तो कोई उन्हें काम नहीं मिला, न्यू काम की तलाश में जा रहा था, नहीं मिला। सारा कैश जो था वो भी खत्म हो गया जो उसके पास था। वन डे इन द रीडिंग रूम ही सॉ अ क्रॉसवर्ड पजल एंड इट ऑफर्ड एवरी वीक अ फर्स्ट प्राइज ऑफ 4,000 rupees। रामा राव थॉट टू अर्न मनी इन एन इजियर वे। एक दिन क्या हुआ कि उसके रीडिंग रूम में जहां वो बैठ के बुक्स पढ़ता था, उसने एक क्रॉसवर्ड पजल देखी। क्रॉसवर्ड पजल होती है, जैसे कई बार होता है ना, हमें न्यूज़पेपर में आया होता है कि ये फिल करो सुडोकू या कोई और पहेली को आप भरो, ये भरने से आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ भी वो क्या हुआ, उसने कहा कि हर हफ्ते फर्स्ट प्राइज जो है 4,000 rupees का होता है। तो उसने सोचा कि पैसे कमाने का ये एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। तो बट इवन फॉर फ्यू वेक उसने वो स्टार्ट कर दिया। बट इवन फॉर फ्यू वेक्स ही वॉज अनसक्सेसफुल। बड़ी देर उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड लॉस्ट हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वन डे अ गुड जर्नल अनाउंस्ड अ स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 rupees। He asked his wife to give 5 rupees for entry. मतलब कि वो इतना frustrated हो गया, इतना तंग आ गया कि मतलब उसने बहुत बार try किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब उसका दिमागी संतुलन भी मतलब वो खो बैठा था। उसने बड़ी जगह कोशिश की, एक बार फिर से उसने एक मैगजीन में देखा, अब की बार जो प्राइस था 8,000 rupees था। अब की बार उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे 5 rupees दो फॉर एंट्री, मुझे लास्ट टाइम मुझे दो उसको ट्राई करने के लिए। लेकिन मुझे मतलब उसकी बीवी ने जैसे कैसे भी, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी पैसों की, बट स्टिल शी गेव हर 5 rupees फॉर एंट्री। बट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। ही डिड नॉट फाइंड हिज नेम एनीवेयर व्हेन द रिजल्ट केम। जब रिजल्ट आया तो उसे अपना नाम कहीं भी नहीं दिखाई दिया एंड ही गॉट डिसअपॉइंटेड। वो एकदम से निराश हो गए। देन रामा राव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। ही वेंट टू द रेल ट्रैक्स एंड ले देयर वेटिंग फॉर द ट्रेन। बट दिस टाइम गॉड अपीयर्ड टू रेस्क्यू हिम। ही वेटेड एंड वेटेड बट द ट्रेन वॉज येट टू कम
At last he was tired to lying there. He rose up and walked to the station. There he came to know that the goods train had derailed and all scheduled trains would be late by 3 hours. वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया दैट ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि ना पैसे बचे थे खाने के, नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, नहीं रहने के लिए, नहीं अच्छी लाइफ जैसी वो पहले जीता था, अब वो वैसा कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। तो जब उसने सोचा तो क्या किया उसने, वो रेलवे ट्रैक वाली साइड चला गया और वहां पे लेट गया जाके उसके रेलवे ट्रैक पे और वेट करने लगा फॉर द ट्रेन टू कम, ट्रेन के आने का वेट करने लगा, लेटा रहा। लेकिन इस टाइम भगवान उसकी सहायता के लिए आए। एक ट्रेन मालगाड़ी जिसे हम बोलते हैं वो पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से जो उस दिन आने वाली ट्रेन थी वो लेट हो गई। वो 3 घंटा लेट थी और वो लेटे लेटे वहां थक गया और वो उठा और उसने चलना शुरू कर दिया अपने घर वाली साइड। और जो वो मतलब अगर वो ट्रेन उस दिन टाइम पे होती तो वो हो सकता है कि वो वहां पे उसका मतलब वहीं पे डेथ हो जाती, लेकिन भगवान ने उसको बचाना था तो दूसरी मालगाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से बंद हो गया सब और बाकी ट्रेनें सारी 3 घंटा लेट हो गई। Then he decided to return home. His wife became anxious and impatient for Rama Rao's inordinate delay, but she brightened up and sighed with relief at his side. वहाँ जब वो उसने decide किया कि मैं वापस घर जाऊंगा तो आगे उसके बीवी बच्चे रोज जैसे दरवाजे पे खड़े होके उसका वेट करते थे, वो कर रहे थे और मतलब कि जैसे वो रोज आता था वो नहीं, जब वो उनको लगा कि हमारे पापा या उसके हस्बैंड वो नहीं जब मिल रहे थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अचानक जब उसको आता देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत की सांस नजर आई। देन आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट ही सेट डाउन टू ईट। हिज वाइफ इन्फॉर्म हिम दैट द टेनेंट्स केम इन द इवनिंग एंड आस्क्ड वेदर ही वुड सेल हिज बैंगलोर। फिर वो बैठा, उसने रेस्ट किया, खाना खाया और फिर उसकी वाइफ ने उसे बताया कि हमारे साथ वाले घर में किराएदार आए हैं, टेनेंट्स यानी किराएदार, और वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या आपने वो अपना बैंगलोर बेचना है जहां से वो आए थे। दे वुड ऑफर गुड अमाउंट, वो हमें अच्छा पैसा देंगे। ही थॉट दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया एंड एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस इफ दे पेड 4,500 रुपीज। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है, उसे वो अच्छा आइडिया लगा। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं अगर वो मुझे 4,500 रुपया देंगे। He would keep 500 and give away the rest to his wife. At this, his wife wanted to know if he would again invest his money on the crossword puzzles. उसने मतलब उसने डिसाइड किया कि वो पैसा जो है अपने पास वो 500 रुपए रखेगा और बाकी का पैसा अपनी बीवी को देगा। और फिर उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी पैसा क्रॉसवर्ड पजल्स पे खर्च करोगे। तो फिर रामाराव फेल डिप्रेस एंड कामली सेड नो। वो बिल्कुल ऐसे डिप्रेस सा फील करता है और कहता है नहीं, ही वुड गो टू मैड्रास एंड लुक फॉर अ प्रॉफिटेबल जॉब देयर टू टेक देम आउट ऑफ देयर मिजरी। रामाराव फिर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं शुरू करूंगा और मैं अब ये पैसा लेके मैं मद्रास जाऊंगा और वहां पे मैं एक अपना न्यू जॉब शुरू करूंगा। तो बेटा दिस वॉज द समरी ऑफ द लेसन। बहुत अच्छी सी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये कहानी कुछ कुछ किसे रिलेट करती है, मतलब यहाँ पे उसने कोशिश की, मतलब एक अटेम्प्ट करी सुसाइड करने की। जब वो बिल्कुल टोटली चारों साइड से डिप्रेस्ड हो गया, उसने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। वो एक मिनट जो उसके दिमाग में आया कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूंगा, वो लेट गया। वो जो एक मिनट था उसके दिमाग से निकल गया और वो ट्रेन आई नहीं। फिर वो अपनी वापस अपनी पोजिशन पे आ गया और जब वो टाइम निकला तो बिल्कुल दोबारा से उसका दिमाग शांत हो गया। तो इसलिए बेटा कभी भी, ये तो एक स्टोरी है हमारे सिलेबस की,
कभी भी उस सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दो, उस टाइम को जैसे कैसे निकालो, क्योंकि वो एक मिनट ही है। एक मिनट के लिए ये सोच जो आपके दिमाग में आती है, जब हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे कोई आना, मतलब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझे हर तरफ से कोई रास्ता जब नहीं दिखाई देता है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, सुसाइड। नहीं, नेवर, कभी ऐसी कभी सोच अपने दिमाग में मत लाना, कभी भी। आप तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आज की जो जनरेशन हो, आज आपको इतनी फैसिलिटीज, अपने जो आपके पेरेंट्स हैं अपने हद से ज्यादा, अपने मतलब कद से ज्यादा आप कह सकते हो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी इस सोच को अपने दिमाग में उतरने मत दो। अगर आप मेरे बच्चे बने हो, अभी आपका मेरे साथ एक रिलेशन बन गया है, आप तो आप प्लीज मेरे को एक अपना गार्जियन समझ के भी ये सोच कभी भी अपने दिमाग पे हैवी मत होने लगे, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज समरी ऑफ द स्टोरी, वेरी सिंपल। और इसमें जो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरीज में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज यूजुअल आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और जो मेन है, मेन इसमें जो है, एज अ टीनेजर, एज अ टीनेजर हाउ डू यू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ योर एवरीडे लाइफ, एक्सचेंज योर आइडियाज विद योर ग्रुपमेट्स, ये क्वेश्चन। और उसके बाद क्या ये जो क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द थीम ऑफ स्टोरी, डू यू थिंक द शॉर्टकट मेथड शुड बी फॉलोड इन योर लाइफ, क्या आपको लगता है कि शॉर्टकट मेथड फॉलो करना चाहिए आपकी जिंदगी में, जैसा कि रामा राव करना चाह रहा था कि मैं क्रॉसवर्ड पजल्स को यूज करके शायद मेरे को वो मेरा लॉटरी निकल जाती, मेरा इनाम निकल जाता और मैं फिर से अमीर बन जाता। नेवर, शॉर्टकट मेथड्स देखने में इजी लॉन्ग जो मेथड्स हैं, मतलब देखने में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जो लंबा रास्ता है वो ज्यादा आसान होता है, ज्यादा एक्सपीरियंसेबल होता है, क्योंकि लंबे रास्ते पे जाके आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहां पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और इसमें जो मेन आपको ग्लॉसरी इसकी याद रखनी है, सभी करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन तो इसके आपको सभी करने हैं, ठीक है बेटा। और बाकी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, वो तो सबसे पहले ही है, ठीक है ना। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप एंजॉयिंग माय लेक्चर्स।